బిఆర్ఎస్ నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం గొప్పదన్నారు సీఎం కేసీఆర్ దేశ రైతాంగం బాగుపడే వరకు బిఆర్ఎస్ పోరాటం ఆగదన్నారు మహారాష్ట్రలో త్వరలోనే పార్టీ కమిటీలు నియమించుకుందామన్నారు నేతలంతా నిత్యం ప్రజలతో మమేకమై చైతన్యపర్చాలని పిలుపునిచ్చారు ఒకసారి అడుగు ముందుకు వేస్తే వెనకడుగు వేసేది లేదన్నారు సీఎం కేసీఆర్ కిసానోనే కాఫీ లడ చుకే హై ఐసా నహీ హై కి కిసానోనే నహీ లడా యహాన్ ఇసీ రాజ్య మే శరద్ జోషీ కే లీడర్షిప్ మే कितने आंदोलन किसानों ने किया, कितने लोग जेल गए, कितने लाठी खाए, कितने गोली खाए, शरद जोशी के भाषा से प्रेरित होकर यहाँ के लोग पंजाब में जाके लड़े, हरियाणा में जाके लड़े, कई दिन वहाँ के जेलों में भी पड़े रहे, और पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग जैसे गुरनाम सिंह चढ़ोनी है, हमारे बुजुर्ग एक राजोवाल जी है, उन्होंने भी आके महाराष्ट्र में भी लड़ा है, बेंगलुरु में प्रोफेसर नंजुंडा स्वामी लड़ा है, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में सर चोटूराम लड़े थे 1935 से लेकर 1835 से लेकर, बाद में महेंद्र सिंह टिकायत ने लड़ा, मद्रास में नारायण स्वामी लड़ा, ऐसा नहीं है कि किसानों ने नहीं लड़ा। अभी हाल में सीपीएम पार्टी के नेतृत्व में प्याज के दाम को लेकर नासिक से मुंबई तक 50-50 हजार लोग, 10-10 हजार लोग पदयात्रा करते हैं। ये कोई देश है? इस देश में लोकशाही है? लोगों का कोई मान्यता है? किसानों को कोई इज्जत है? आखिर ये कब तक चलेगा? कहां तक चलेगा? किसान का दुख दुखी रह जाएगा या किसान का दुख मिट जाएगा? मुझे पूरा उम्मीद है जरूर मिट जाएगा, भारत राष्ट्र समिति के नेतृत्व में, महाराष्ट्र राज्य में भी मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं यह बात, निसंकोच कह रहा हूं, इसलिए तेलंगाना राज्य जहां से मैं आता हूं, जहां का मैं आज मुख्यमंत्री हूं, तेलंगाना राज्य बनने से पहले वहां भी बड़ा, महाराष्ट्र से भी गड़बड़ीला मामला था। हर दिन किसान मर रहे थे, हर दिन हमारे राज्य के बुनकर मर रहे थे, कई लोग, आधा से ज्यादा लोग पलायन थे, काफी मुश्किल थी, ना पीने का पानी था, ना सिंचन का पानी था, ना बिजली था। लेकिन आज गुजिश्ता नौ साल में तो 2 साल फजूल चले गए, 1 साल 1.25 साल कोरोना और 1 साल नोटबंदी, 2 साल मरे गए, सिर्फ 6.5-7 साल के कड़ी मेहनत से आज जो तेलंगाना मॉडल पूरे देश में छाया हुआ है वो बन गया है। अगर समर्पित रूप से हम काम करते हैं, काम कर सकते हैं। तेलंगाना राज्य में आज हर घर में नल फिट है, हर घर में, एक भी घर बगैर नल के नहीं है। शहरों में भी गरीबों के लिए वहां सिर्फ 1 रुपए से नल का कनेक्शन दिया गया, जो कि हर घर में रहना चाहिए करके। समर्पित रूप से जब हम करना चाहते हैं, हर घर को पानी पहुंचाना चाहते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये देवी देवताओं का काम नहीं है, ये तो इंसानों का काम है, कर सकते हैं, करके दिखाया है तेलंगाना राज्य ने। वहां के ऑफिसर भी कोई स्वर्ग से नहीं आए, कोई दूसरे जगह से नहीं आए, या तो अमेरिका से नहीं आए, वही ऑफिसर है, वही नेता है, वही सरकार है, वही लोकतंत्र है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन एक ही बात इसके साथ जुड़ गया था कि इच्छा शक्ति, करने का इच्छा शक्ति हो, काम बिल्कुल हो सकता है, कोई अड़चन नहीं है। अब महाराष्ट्र राज्य में भी क्रांति लाना हमारा जिम्मेवारी है।